मतलब कुछ देखेंगे तो बहन बनाएंगे और फिर ना होगा तो लुगाई भी के नेता हाँ। नेता हमें पर ऐसी देसी कुनिया देख सकते हैं तो हाँ। दोस्तों देखें कितने नाराज डागर साहब यहाँ की माताएं बहनें कह रही हैं तो ये है एनआईटी 86 का जीवन नगर देख सकते हैं क्या हालात हैं जबकि 3-4 दिन से बारिश भी नहीं हुई है लोग ऐसे निकलते हैं ये देखें निकलने कोई जगह ही नहीं है आप समझ सकते हैं देखें नरकीय हालत है जीवन नगर की और अभी बताते हैं और क्या खास है और यहाँ देखें भाजपा नेता एसबीर सिंह डागर पहुँचे हैं डोर टू डोर अभियान के तहत लोगों से मिल रहे हैं ये देखें साथ में हालात भी देख रहे हैं क्षेत्र के ये देखें हाँ जी माता जी कैसे परेशान हो हम जो परेशान है बेटा हमारी कॉलोनी में कोई ना आ रहा और वोट तो ले लेते हैं हम पैसे अच्छा और हमारे न कमेरे न दबेरे और हम परेशान पानी तक तो ढूंढ रहे हैं कोई रिश्तेदार आ गए अच्छा। वो हमारी कॉलोनी में जो कहता है पता हमारे रिश्तेदार कैसी कॉलोनी है अच्छा। और तुम्हारे कैसे वो यहाँ के चैम्बर और वैसे तो तुम्हारी कॉलोनी ना बनवा रहे अच्छा तो परेशान है कब से ये हालात हैं कब से ऐसे कॉलोनी है आपकी हम तो आए कहाँ जा दिन आज 15-20 साल है भाई जा रही है अच्छा 20 साल से ऐसे है और ज्यादा ही है गई अच्छा तो कोई बड़ा नेता वगैरह नहीं आता कोई ना आवे अच्छा और खुद हम तो रमजान तू जा जाए के परेशान है गए अच्छा। कोई ना झांके बेटा तो देख रहे हैं बहुत ज्यादा हालात खराब है यहाँ के अभी हमने दिखाया मतलब कोई ना झांके मतलब लेकर पीछे कोई ना बात पूछो नेता मतलब लोग देखेंगे बहन बनाएंगे और फिर ना होगा तो लुगाई भी के नेता नेता हमें ऐसी देसी कुनिया देख सकते हैं तो हाँ, दोस्तों देखें कितने नाराज डागर साहब यहाँ की माताएं बहनें कह रही हैं कि यहाँ 15-20 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है नेता आते हैं कुछ नेता ऐसे भी आते हैं बहन बना के चले जाते हैं कुछ नेता और कुछ रिश्ता बना के चले जाते हैं कोई विकास कार्य नहीं करवाता क्या कहेंगे जो है दोस्तों देख सकते हैं एसबीर सिंह डागर पहुंचे हैं यहाँ सर क्या कहेंगे लोग बहुत परेशान हैं ये हमारे विधानसभा के स्टंटमैन जो नेता हैं इन दोनों पूर्व विधायकों ने उसके परिवार ने दोनों का रिकॉर्ड है कम से कम 5,000 तो मामा बना रखे हैं अच्छा और कम से कम 500 चीजें बना रखे होंगे ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम इनको अच्छे से आता है अभी ये जीवन नगर पार्ट टू है इसमें एक बहुत बड़ा ड्राइवर ठेकेदार ने उसको सारा काम दिया था हाँ। स्थानीय विधायक ने और उसमें बहुत बड़ा वो उजागर भी हो गया था ये पूरा जीवन नगर जिसमें लगभग 4,000 वोट है लगभग 8,000 के करीब आबादी हाँ, हाँ, हाँ। और 2,000 के लगभग किराएदार लगभग 10,000 लोग रहते हैं इसमें आप देख सकते हो एक भी लाइन एक भी गली में पाइप लाइन चालू नहीं है कोई कनेक्शन नहीं हुआ है ये जीता जागता उदाहरण है लूट खसोट का बंदरबाड़ का जो माताएं बहने हर घर में जब हम लोग जाते हैं हमारा हर घर दस्तक अभियान चल रहा है आज 32वां दिन है माताएं बहने इतनी क्रोधित और इतने गुस्से में रह मिलती हैं क्योंकि उनको बहुत छला गया है ठगा गया है उनको इमोशनली फूल बनाया गया है उनके हिस्से के पैसे को खा गए हैं लोग उनको जानकारी हो गई है इस बात की लोगों के साथ में लोग इलाके के अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इनका हिसाब किताब जरूर जनता करेगी इनकी जगह समाज में नहीं है इनकी जगह जेल के अंदर है क्योंकि ये लोग भी हाउस टैक्स वगैरह देते हैं हर तरह का टैक्स देते हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही है कोई ऐसा भैया हाउस टैक्स वगैरह सब भर रहे हैं हाँ। सब कुछ भर रहे हैं हम यहाँ पे सेक्टर में भी बराबर हाउस टैक्स है और कॉलोनी में भी बराबर का एक नियम होता है और इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है ये सवाल पूछते हैं हम लोग जब आप सुने जाते हो जनता आपको वोट करती है तो आपका काम केवल कमीशन खाना नहीं होता लूटपाट करना नहीं होता कुछ जिम्मेदारियों का एहसास भी आपको होना चाहिए अधिकारियों से प्रॉपर काम करवाएं सीवरों की सफाई कराएं उनको
प्रॉपर जो जहाँ जहाँ वो 40% सीवर जो अभी तक चालू नहीं करवा पाए उसको दोबारा जोड़ने का काम करवाए, लोगों के उसके बाद सड़कों का काम चालू हो, उसके बाद पानी की निकासी का व्यवस्था जब हो जाए उसके बाद पाइपलाइन पानी की मीठे पानी की डले, ये बहुत सारी जिम्मेदारी। नगर साहब अगर आप जीतते हैं, आपका जनता साथ देती है, तो जीतने के बाद कितने दिन में इस समस्या का समाधान करवाएंगे? बड़ा काम है। हाँ, ये व्यवस्था की चरवरा जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो है, ये नए सिरे से सारी प्लानिंग हो, इसमें बहुत बड़ा पूरी विधानसभा का एक साल एक कंपनी आने वाले 100 साल के लिए लोड कैलकुलेट करके सीवर डाले और उसके बाद सड़कों का जाल बिछे, इसमें कम से कम मेहनत करे तो कम से कम 2-3 साल लगेगा, इतना हुआ सिस्टम। तो इनको क्या आश्वासन देंगे जो लोग नाराज हैं? देखो मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अगर मौका मिला तो इन लोगों की सब समस्याओं को समाधान में करने का काम करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ में। ठीक है, वचनबद्ध है। ठीक है, थैंक यू। 40 साल है गई हम वो बसे, मैंने तो आज तक कोई नेता नहीं देखो ना है, आज तक नहीं देखो कोई नेता था। अच्छा, मतलब कोई नेता है, कोई नेता ना है।